दोस्तों ये देखिए, मैं हूँ बनारस में और जा रहा हूँ गंगा घाट की ओर, और इसके बाद मैं जाऊँगा अस्सी घाट, जो फेमस बनारस का घाट है अस्सी। काफ़ी मूवियाँ भी इस पर बनी है। चलो चलते दोस्तों। ये देखिए साइकिल यहाँ खड़ी खड़ी है, और ये रही सामने गंगा जी, माँ गंगा जी का घाट। लेकिन इधर यार जगह नहीं मिल रही है साइकिल रखने के लिए, तो देखते हैं। बढ़ गया अभी अस्सी घाट जाऊंगा, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो अस्सी घाट चलते हैं। यहाँ तो मुश्किल है यार कि साइकिल रखने के लिए जगह मिल रही है। और भाई साहब फ़ोटो ले रहे हैं साइकिल के साथ। तो अभी मैं इस घाट से जा रहा हूँ वापस अस्सी घाट की ओर, क्योंकि इधर तो कुछ साइकिल रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिली, और रुकने के लिए भी इधर मिलना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए मैं पहुँच गया अस्सी घाट। अस्सी घाट जाने का मार्ग अस्सी घाट चौराहा है, इधर जाके देखता हूँ यार। सेम ऐसे ही है यार जैसा मूवी में दिखाया था, छोटी छोटी गलियाँ, और इन गलियों में ही है वो जो शूटिंग हुई थी मूवी अस्सी। नहीं घाट अस्सी है शायद। तो अभी मैं अस्सी पे जा रहा हूँ, घाट अस्सी पे नहाने के लिए। ये देखिए ये रहा अस्सी घाट। गलत आ गया मैं यहाँ, तो दिक्कत वाला काम है। देखता हूँ रास्ता होगा तो निकल जाऊँगा इधर से। ये देखिए अस्सी घाट का व्यू, और यहीं पे होती है गंगा आरती। ये देखिए आरती की तैयारी भी हो रही है। ये देखिए यही वाला मंदिर जो है मूवी में दिखाया गया था, अस्सी घाट लिखा हुआ है। ये सही जगह आया, और अभी इधर गंगा जी में कूदेंगे। बहुत बड़ा पार्ट है यार, देखो कितना बड़ा है। चलो स्नान करते हैं। भाई साहब तैर रहे देखिए। चलो हम भी तैरते। चलो बड़ा खींच रहे होना चाहिए। जूम का कर दो। दोस्तों स्नान अभी मैंने कर लिया है, और अभी मैं रुका हूँ वहाँ पे पीछे, वहाँ पे जो है एक आश्रम है, वहाँ पे मैं रुका हुआ। साइकिल मेरी उधर ही खड़ी है। स्नान हो गया अभी, आरती का समय हो गया, और अभी थोड़ा सा और स्नान करके फिर जाएंगे आश्रम पे। दोस्तों नहा के मैं बाहर निकल गया हूँ। ये देखिए कपड़े मैंने पहन लिए, और तुम आपको गोताखोरों से मिला था। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे गोता लगा रहे। आप पानी में अंदर सिक्के ढूंढते हो क्या? एक बार दिखाना, मैं वीडियो लेता हूँ आपका। ये देखिए, ये मुँह में रख लेते, अंदर पानी में मुँह में रख लेते हो, ऐसे उठाया और मुँह में डाल लिया। एक बार करके दिखाओ तो कैसे करते हो। अरे वाह, अरे बड़ा चालू है यार। चल तो देख दोस्तों, देखिए कह रहा है कि पैसा दोगे तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। वाह बहुत चालू है। कोई नहीं, अभी उधर भी एक भाई है और इधर भी वो बच्चे लोग कर रहे, तो उनका वीडियो लेके देखते हैं हम कि वो कैसे गोता लगा रहे। वो देखिए छोटी सी बच्ची, वो देखिए कैसे गोता लगा रही है। ये देखो यार छोटा सा बच्चा कैसा गोता लगा रहा है, वो देखिए वो अंदर वो सिक्के ढूंढ रहा है। ये देखो वो गया अंदर, मछलियाँ पकड़ के ले आता है, सिक्के उठा के ले आता है। कितने सिक्के इकट्ठे किए अभी मुंह में? कितने सिक्के इकट्ठे किए? मैं मछली ले आया यार, मछली ले आया भाई। ये देखो सिक्का लाया निकाल के, गजब कलाकार है।
कहाँ गया ये आ गया निकल के क्यों कभी कुछ चांदी वांदी कुछ मिलता है चांदी सोना कुछ मिलता है जितना किस्मत पे रहेगा सब मिल जाएगा अच्छा पैसा तो गारंटी है बाकी चांदी सोना किस्मत में अभी इनके मुंह में देखो पूरे सिक्के सिक्के भरे थोड़ा सा मुंह के सिक्के तो बताएंगे क्या हाल ही कर दियो ये देखो पूरे सिक्के भरे हैं यार मुंह में और काफी लंबी सांस लेते हुए अंदर रहते हैं सब पंडे कमाने में लगे सब अपनी अपना मुर्गा ढूंढ रहे कोई आए किसी को काटे पूजा पाठ जो भी करवाना है बहुत सब लगे रहते हैं यार अपने अपने काम से ये देखिए मैं आ गया हूँ गंगा आरती में और ये देखिए गंगा आरती जो है शुरू हो गई है और भीड़ देखो यार कितनी भीड़ है ज़बरदस्त पूरा बोट में और चारों ओर से लोग पूरे भरे हुए दूर दूर से लोग आते हैं यार सामने तो देखिए बोट में काफ़ी विदेशी भी बैठे हुए फॉरेनर्स यहाँ पे ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए और ये हो रही है माँ गंगा की आरती जय माँ गंगे हर हर गंगे चलो यार अभी मुझे जाके जो है रुकने के लिए कुछ व्यवस्था भी देखनी है क्योंकि जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पे एक भाई साहब मिले थे रास्ते में तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था कि वहाँ पे आप जाइए और तो उन्होंने मुझे रुकवाया था वहाँ पे लेकिन मैं जाके बैठ गया वहाँ कीर्तन चल रहा था मैं बैठा हुआ था तो एक भाई आया और वो यार अचानक से चिल्ला चोट करने लगा कौन हो कहाँ से हो क्या हो लेकिन कोई बात नहीं अभी तो माँ गंगा की आरती करेंगे और पहले आरती का आनंद लेंगे उसके बाद में सोचेंगे कहाँ रुकना है क्या करना है तो बात की प्रोसेस है या तो फिर रात में जो है पूरी रात चलेंगे और या तो कहीं रूम ले लूँगा क्योंकि यार वहाँ पे तो मैं वैसे बिना पैसे का उन्होंने बोला था कि वो ये देखो यार बनारस की गलियों में भटक रहा हूँ क्योंकि जहाँ मैं रुका था वहाँ थोड़ी परेशानी हो गई तो मैं वहाँ से निकल आया एक बंदे ने रुकवाया यार दूसरा आया चिल्ला चोट करने लगा तो मैं निकल आया वहाँ एक भाई साहब मिले थे बोले कि आप ठीक है नाइट में रुक जाइए यहाँ पे दूसरा कोई उसका शायद पार्टनर वगैरह रहा होगा धर्मशाला ही था पर वो आके फिर मेरे ऊपर चिल्ला चोट करने लगा कौन हो कहाँ से हो बिना बोले कैसे आ गए ये वो बोला भाई ठीक है रुक जा सबर रख मैं साइकिल उठाया और मैं निकल लिया वहाँ अंधेरा काफ़ी हो गया है और अभी ढूँढ रहा हूँ अब तो रूम लूँगा वैसे इधर मैं देखा था अभी रूम यहाँ पे 1500 रुपये बोल रहे 1500 हमारे बजट के बाहर है यार देखते हैं नहीं तो फिर रात भर चलूँगा और पार करेंगे वैसे तो मैं कल सोचा था कि मैं जो मणिकर्णी का घाट है उसको मैं घूमूंगा लेकिन अब मुश्किल लग रहा है या तो फिर बनारस शहर मुझे पार करना पड़ेगा आज रात ही में चलो देखते हैं अगर कुछ व्यवस्था होती है तो ठीक है ये देखो यार रात के 10 बज गए और बनारस की गलियों में भटक रहा हूँ रुकने के लिए कुछ मिला नहीं है बहुत परेशान हो गया हूँ यार देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है नहीं तो बनारस से बाहर निकलेंगे फिर रात में ही निकल जाऊँगा यार अब तो बहुत क्योंकि
कम से कम, नहीं तो भी मैं 15 से 20 धर्मशाला और न जाने क्या क्या मैं पता कर चुका हूँ। 1000 रुपये, 1200, 1500 से नीचे कोई रूम बोल ही नहीं रहा यार। ये देखो इन गलियों में भटक रहा हूँ। जब मैं वहाँ से निकला था तब वो भाई जिसने मुझे रुकवाया था वो मुझे मिला था, बोल रहा था क्या हो गया, क्यों जा रहे हो, कोई परेशानी है क्या है। मैं बोला उनसे कि आपका जो पार्टनर है ज़रा उसको थोड़ा बताइए कि लोगों से बात कैसी की जाती है। और वो फिर बाद में बोलने लगे कि यार मैं बोल देता हूँ तो आप रुक जाओ। मैंने बोला नहीं भाई, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रुक सकता। मैं चाहे रूम लेके रह लूँगा या मैं पूरी रात चलूँगा, पूरा बनारस पार करूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। तो मैं वहाँ से निकल आया और अभी इन गलियों में भटक रहा हूँ। तो दोस्तों सफ़र अच्छा लगा हो और थोड़ी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ, थक भी चुका हूँ। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे।